Hi friends, welcome to Desk, Deva English Spoken Class. Friends, अभी हमारा present indefinite tense चल रहा है और present indefinite tense में जितने भी प्रकार की sentences आती हैं उस सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ। तो आज बारी है keep on, go on और remain का। हम keep on, go on और remain का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के sentences में करते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, वह गाता रहता है। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि वह गाता ही रहता है, तो डू डज नथिंग वाला था वो, लेकिन वह गाता रहता है, सिर्फ गाता रहता है। वह गाता रहता है मीन्स ही कीप्स ऑन सिंगिंग। कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस में करेंगे आज हम वो सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कम तो जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, सारे सेंटेंस अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेंगे, किसी और टेंस में नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे वह गाता रहता है मीन्स इस सेंटेंस से क्या बोध होता है कि वो ज़्यादातर गाने का काम करता है, मीन्स गाता रहता है, गाने की प्रैक्टिस करता रहता है, तो गाता रहता होगा या खेलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, मीन्स वो करता रहता है, करता ही रहता है, गाता ही रहता है। वो अलग है और ये अलग है, इसमें ही नहीं लगेगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तीन तरीके से बना सकते हैं। ही कीप्स ऑन सिंगिंग या ही गोज ऑन सिंगिंग या ही रिमेन्स सिंगिंग। मीन्स आपने कभी सुना होगा ना किसी को बोलते हुए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन डूइंग, करते रहो, सीखते रहो, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम कुछ और एक और सेंटेंस लेते हैं। वो गाता रहता हो गया, आप समझ गए होंगे, हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। वह खेलता रहता है, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही रिमेन्स प्लेइंग। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को हम थ्री वेज में बनाते हैं, मतलब तीन तरीके से बनाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी याद रहे आप, जो भी आप मतलब आप कंफर्टेबल हो जिस सेंटेंस को भी बोलने में, वो सेंटेंस आप बोल सकते हो। और ज़्यादातर ये सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी होता है, बट ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, कीप ऑन का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव में कैसा होगा, अगर इसका हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव तो ही डजंट कीप ऑन प्लेइंग। इंटरोगेटिव अगर लेते हैं कि क्या वह खेलता रहता है, तो डज ही कीप ऑन प्लेइंग। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं कि वह क्यों खेलता रहता है, वह क्यों खेलता रहता है, तो व्हाई डज ही कीप ऑन प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए हम उसका ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये था कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल। तो आप समझ चुके होंगे कि कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेज में करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेज जो भी आए आप उसको कीप ऑन, गो ऑन या रिमेन लगाकर बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वह खाता ही रहता है,
तो खाता ही रहता है अगर हम बोलते हैं तो ही डज नथिंग बट ईट बोलेंगे, बट वह खाता रहता है ही नहीं लगाएंगे तो ही कीप्स ऑन ईटिंग। ठीक है फ्रेंड, वो लोग झगड़ते रहते हैं, वे लोग झगड़ते रहते हैं, तो वे लोग झगड़ते रहते हैं मतलब झगड़ा करते रहते हैं, ज़्यादातर उनका झगड़ा करने का ही काम चलता रहता है, तो वे लोग झगड़ते रहते हैं। दे कीप ऑन क्वारलिंग या दे गो ऑन क्वारलिंग या दे रिमेन क्वारलिंग। ठीक है मीन्स तीन तरीके से बना सकते हैं। वो जाता रहता है मीन्स मुंबई कहीं भी वो जाता रहता है, तो वो जाता रहता है, बोलते ना वो वहाँ जाता रहता है, तो ही कीप ऑन गोइंग। ही कीप्स ऑन गोइंग, ही गोज ऑन गोइंग, ही रिमेन्स गोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर कीप ऑन का इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें दोनों गो ऑन का भी और रिमेन का भी ये इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने कर दिया आपके सामने बोलने वाला तो फिर आपको समझना भी पड़ेगा ना, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको भी याद रखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और सेंटेंसेस स्क्रीन पे देखते हैं और अच्छी तरह से और भी समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्क्रीन पे, वे लोग गाते रहते हैं, दे कीप ऑन सिंगिंग, दे गो ऑन सिंगिंग, दे रिमेन सिंगिंग। मेरा भाई पढ़ता रहता है, माय ब्रदर कीप्स ऑन रीडिंग, माय ब्रदर गोज ऑन रीडिंग, माय ब्रदर रिमेन्स रीडिंग। बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, चिल्ड्रन कीप ऑन प्लेइंग देयर, चिल्ड्रन गो ऑन प्लेइंग देयर, चिल्ड्रन रिमेन प्लेइंग देयर। ठीक है फ्रेंड, क्या वह तैरता रहता है, तो डज ही कीप ऑन स्विमिंग। वह तैरता नहीं रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन स्विमिंग। वह क्यों तैरता रहता है, वाई डज ही कीप ऑन स्विमिंग। ठीक है फ्रेंड, तो यह था आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।